बनाता तो वो दिन में ही है। हाँ फिर बने दिन तो ठंडा सा ही खाना है, खिचड़ी भी ठंडी खानी है। बोला हमारा खाना बार बार गर्म नहीं करना, दो अभी आ रहे, दो अभी आ रहे, हमें ठंडा दो, ठीक है ना। इस तरह से ज़्यादा गर्म, सख्त, तक, तिक्त और चटपटा, ये आपने नहीं खाना। अब आपको समझ में आ गया आप लोगों ने क्या करना है, पूरा आज का लेसन आपका हो गया। आगे ना आपकी आज लेट के साथ रख क्या चलेगी। हाँ, और आपको मन को ब्रह्म से जोड़ना, मन को इष्ट से जोड़ना, ठीक है ना। आपका इस संसार में कुछ नहीं है, आप विषयों में फंसे हुए हो, विषयों में केवल आपको विषाद मिल रहा है, दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो हे मन, ईश्वर से जुड़, ईश्वर का सानिध्य पा और उसी की शरण में चल, तभी तेरे मन का विषाद खत्म होगा और मैं तेरा सच्चा साथी बन के। देखो, मन अगर वशीभूत हो जाए तो आपका मित्र है, अगर वह अवशीभूत रहे यानी कि आपके वश में ना आए तो आपका शत्रु है, ठीक है ना। मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है, मन ही बुरा है, मन ही अच्छा है, ठीक है ना। और मन ही मलिन है, मन के अलावा इस संसार में, इस प्रकृति में कुछ मलिन है नहीं, क्योंकि प्रकृति में दो ही तरह की गंध हुआ करती है, एक सुगंध और एक दुर्गंध। आगे बस कुछ ही बातें जानने की हमें आवश्यकता है, ना बहुत ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता। अगर आपका गुरु ठीक है तो आपको मूल मार्ग से लेके चलेगा और वो अपने आप आपको उठा लेगा, ठीक है ना। आप वो सपनों के जरिए आप वो सब चीज़ें पा जाओगे, आपको वो सब प्राप्त हो जाएगा। बस आप जप करते रहो, क्योंकि जप में बड़ी शक्ति है, नाम लेने में दुनिया भर की शक्ति है। आप जो ये समय दे रहे हो, ईश्वर कभी भी किसी का समय नहीं रखता अपने पास, जो जितना समय उसका भजन करता है वो उतनी ही कीमत उसको प्रदान कर देता है। जगत मजूरी देता है क्यों रखे बदला। तो अभी आपकी मजदूरी चालू हो गई आज से, ठीक है। आपने तो डरे ढोने तसले के साथ ये पहले ढो चुके हैं, इनकी थोड़ी उन्नति हो गई है, नहीं जी नहीं जी, ठीक है। अभी इनको राजगद्दी नहीं मिली है, मेहनत ये अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग सुपरवाइजर हो गए हैं, फिर कुछ मैनेजर हो जाएंगे, ऐसे करके आया समझ में है, आता है ना समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। और सेम ऐसे ही होता है, आप किसी और महात्मा के पास भी देखोगे, जो लोग ऊपर तक पहुंच जाते हैं वो ऊपर की सेवा करते हैं, जो नीचे रहते हैं वो नीचे की सेवा करते हैं, जो और नीचे रहते हैं वे और नीचे की सेवा करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सारी ही सेवा कर लेते हैं, अपने गुरु को सब तरह से प्रसन्न करते हैं, है ना, और अपने इष्ट को प्रसन्न करते हैं। तो वो जब बोले कि सुई में धागा पिरो ना, सुई में धागा पिरो दिया। जब गुरु ने कहा भाई कस्सी उठा ले अखाड़ा खोद, वो काम कर दिया। जब गुरु ने कहा केला खा के और मौन जाप पे बैठ जा, तब वो काम कर दिया, नहीं ठीक है। और चंचल किसी ने नहीं होना, उनका इस्तेमाल बहुत कम करना है, आता है समझ, फोन का इस्तेमाल आपका जब कैसा चल रहा है नाद किसको सुनाई देने लगा, सुनने की आवाज किस किस को सुनाई देती है, भिन भिन सी आवाज आपको हो गई, आपको भी आ गई। हाँ वो वही नाद है, ट्रक में बैठे हो केबिन में, अभी तो नाद साधना भी कराऊंगा मैं आपको। कुंडलिनी शक्ति उठेगी, अब आपकी रीढ़ की हड्डी में ठक 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 होती चलेगी, होनी चालू चालू होगी ना। हाँ जब वो आवाज आती है एक दो टाइम में मैं अपनी ऊर्जा से आपकी ऊर्जा को उठाऊंगा, ठीक है। कुछ को सपना में महसूस होगी, किसी को कभी भी दर्शन हो सकता है, ना भगवान में लगे रहो, क्योंकि आपको ये जरूरी नहीं। आदमी कई बार ना खींच तान के एक दिन निकालता है, अभी आपके में हो सकता है वे दिन आपके अभी हों, जैसे 21-22 दिन में आपके अभी हों, कि ईश्वर ने आपको अभी समय दिया हो, कोई ग्रह आपका बदला हो कि जिसमें आपको ईश्वर का बहुत निकट सानिध्य झेलने को मिल जाए। क्योंकि अगर आप एक बार भी झेलेंगे तो वो जीवन भर काम आएगा, आप काम करो या ना करो। दो तीन चीजें होती है ना, आगे गर्दन गिर जाए तो आलस्य होता है, गर्दन पीछे गिर जाए, आगे गर्दन गिरेगी नींद होगी, तंद्रा होगी, आलस्य होगा, पीछे गर्दन गिर जाए तो बेहोशी होती है, ठीक है। और सारा ही गिर जाए, सारा ही गिर जाए तो वही रोटी ज्यादा खाती है।
खिचड़ी खिचड़ी खाते हो फिर तो ये जब जाप करते जो भी होता है अच्छी बात। जय शनिदेव सर।